नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आयुषी मित्तल। गुजरात के भावनगर के अलंग तट को हम वाटर वेसल्स का कब्र ग्रह भी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा यार्ड है जहां पूरे दुनिया से जहाज टूटने आते हैं, लेकिन आज ये तट बन चुका है प्रदूषण का केंद्र। आर्थिक प्रदर्शन के लिहाज से नए दशक के पहले सदी में इस कारोबार ने तूल पकड़ा। ये कारोबार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित हुआ। विश्व में आई आर्थिक मंदी ने जहाज मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वो जहाज टूटने के काम को भारत में ही संभव करें। दरअसल विकसित देशों में लेबर लॉज और पर्यावरण सुरक्षा कानून बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, लेकिन भारत में मानव जीवन बहुत ही सस्ता है, इसलिए इस काम में बने जोखिमों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस काम की वजह से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि मौत भी हो रही है उनकी, लेकिन हमारी सरकार इस पे चुप है। आइए डालते हैं एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पे। जहाज तोड़ने के काम में लगे प्रवासी मजदूर गुजरात से बाहर के हैं। इन ठेका मजदूरों का कोई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होता और नौकरी भी स्थायी नहीं होने के चलते इनका अनियमित रूप से आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर की जांच मुश्किल हो जाती है। जबकि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक हालिया अध्ययन के मुताबिक एल्बेस्ट और अन्य खतरनाक प्रदूषकों के बीच काम करने वाले मजदूरों की नौकरी अनिवार्य रूप से स्थायी की जानी चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ ऑफ वर्कर्स द्वारा अलंग मजदूरों के बीच कराए गए सर्वे में 16% मजदूर एल्बेस्ट प्रदूषण से संक्रमित पाए गए। इस प्रदूषण के प्रभाव में आने से लोगों के फेफड़ों में कैंसर हो जाता है और वो अन्य असाधारण बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण की दृष्टि से खतरनाक पेशों में लगे लोग सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय परिवहन सचिव के नेतृत्व में गठित एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार अलंग में काम कर रहे लोगों के दुर्घटना की चपेट में आने की आशंका खनन उद्योग के खतरे से भी ज्यादा है, जबकि खनन उद्योग को अभी तक का सर्वाधिक खतरनाक काम माना गया है। एक अनुमान के मुताबिक सितंबर 2007 के बाद 700 से ज्यादा पुराने जहाज दस्तावेजों की हेराफेरी के जरिए अलंग समुद्र पर पहुंच गए हैं। सीबीआई की गुजरात शाखा ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि सीमा और उत्पाद शुल्क से बचने के लिए इन जहाजों की कीमत वास्तविक कीमत से कम बताई गई है। इसके अतिरिक्त उत्पाद कर की अदायगी से जुड़ी अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं। प्लैटिनम 2 के विषय में उजागर हो चुका है कि ये मृत प्राय जहाज नकली दस्तावेज की बुनियाद पर भारतीय समुद्र में डुबाया गया। अन्य कई मृतप्राय जहाज जैसे कि MSC अरेबिया, MTMAR, MT थेरेसा तिथ्य और सप्तम भारतीय समुद्र तट पर खड़ा करने एवं नष्ट किए जाने की अनुमति की प्रक्रिया में है। 31 मार्च तक के उपलब्ध इस साल के आंकड़ों के मुताबिक 348 जलपोत अलंग यार्ड में डुबाए जा चुके हैं। 1999 में सर्वाधिक समुद्र तट पर बालू के खनन का अवैध काम चल रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों पर संबंधित मंत्रालयों की ओर से कोई पहल लेने की बजाय गेंद के एक पल्ले से दूसरे पल्ले में डाली जा रही है। इस कारोबार ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डाले तो ये बात छुपी नहीं रहती कि विकसित देशों में विकासशील देशों के पर्यावरण एवं मानव आबादी के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के IMO के 15 मई 2009 को हांगकांग में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेक्शन ने भी पहले से जारी इस प्रवृत्ति को पुख्ता किया है। वैसे भी जहाज को नष्ट करना और स्टील के उत्पादन के लिए इसकी रिसाइक्लिंग करना एक औद्योगिक गतिविधि है। IMO के पास इस तरह की औद्योगिक प्रक्रिया को निर्देशित करने की दक्षता नहीं है। IMO केवल समुद्रिक मामले निपटा सकता है, लेकिन ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि IMO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी विकासशील देशों की कितनी परवाह है। विश्व के लगभग 80% मितप्राय जहाज भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के समुद्र तट पर तोड़े जाते हैं। ज्वार भाटा से बनते बिगड़ते नर्म रेते वाले इन समुद्र तटों पर खतरों से बचाव के उपकरण और ढांचा का मुकम्मल इंतजाम करना संभव नहीं है।
जहाज तोड़ते समय आसपास फैलने वाले खतरनाक रासायनिक एवं रेडियो एक्टिव कचरे के लिए भी ये नरम समुद्र तट असुरक्षित है। नरम समुद्र तट पर सोखा जाने वाला रासायनिक कचरा आसानी से तटीय क्षेत्रों से दूर तक फैल जाता है। समुद्र तट पर जहाज तोड़ने के खतरों को समझाने के लिए इस तथ्य का उल्लेखन करना भर काफी नहीं होगा। कोई भी विकसित देश अपने समुद्र तट पर जहाज तोड़ने के कारोबार की इजाजत नहीं देता है। कुशीनगर जिले कप्तानगंज ब्लॉक के बसिया गांव निवासी 24 वर्षीय गौतम सहानी की 5 मई की गुजरात के सोसिया बंदरगाह पर एक पुराने जहाज की कटाई के दौरान फायर गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। गौतम शिव विजय पंसल ब्रेकिंग कंपनी 158 में काम करते थे। उनका शव 8 मई को गांव आया। आज गौतम सहानी के परिजन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे उसने भी गौतम के परिजनों की कोई मदद नहीं की। गौतम के परिवार में उनके बुजुर्ग पिता पारस सहानी, पत्नी सुमारी और 2 छोटे पुत्र अभिषेक और पुत्री अर्चना है। सोसिया बंदरगाह पर काम करने वाले गौतम की ही गांव के अच्छे लाल ने बताया कि जहाज काटने के बाद मजदूर जब रिंग लेकर पानी में उतरते हैं तो उस समय खतरा बहुत ज्यादा रहता है। फायर गैस की चपेट में आने का खतरा तो बराबर बना ही रहता है। कंपनी वाली पीएफ तो काटते हैं लेकिन पैसा कभी नहीं देते। ग्रीन पीस और FIDH की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलंग समुद्री तट पर उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर काम करते हैं। जहाज तोड़ने का काम अत्यंत जोखिम भरा है। 1983 से 2004 तक जहाज तोड़ने के दौरान 372 दुर्घटनाएं हुई। बांग्लादेश के चिटगांव में समुद्री जहाज तोड़ने के दौरान होने वाली घटनाओं में 1000 मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाज तोड़ने के काम में लगे मजदूर बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज तोड़ने वाले मजदूरों ज्यादातर गरीब परिवार से होते हैं। इनकी काम करने की कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती, ना ही इन्हें इस काम में उतरते वक्त कोई भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इस वजह से इन मजदूरों का प्रदूषण से संक्रमित होने और अन्य बीमारियों के संक्रमण में आने की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि क्या हमारी सरकार इस पे कोई संज्ञान लेती है या नहीं। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।